अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। एज ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन विनर एंड टॉपर ऑफ वेरियस एग्ज़ाम्स, आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंसिस ऑफ 16 ईयर्स विच आई हैव टॉप्ड एंड आई बीन स्कॉलरशिप होल्डर थ्रू आउट माई टीचिंग कैरियर, थ्रू आउट माई एजुकेशनल कैरियर। मेरा एजुकेशनल कैरियर जो है वो सारे का सारा टॉपर और स्कॉलरशिप होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट पे बेस करता है। तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू जो है वो शेयर करूंगी। और इसमें आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, कैसे से अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा कैसे कोटेशंस ऐड की जाती हैं, कैसे क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी कंटेंट कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो गया, आपकी राइटिंग से इम्प्रेस हो गया, आपकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होकर जो है यू कैन आल्सो बी अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड टॉपर ऑफ वेरियस एग्ज़ाम, नॉट ओनली वंस बट all through your educational career। तो let's start our essay। Monsoon, a rainy day, बारिश वाला दिन। Monsoon is a seasonal wind of South Asia। Monsoon जो है वो मौसमी हवा है साउथ एशिया, जनूबी एशिया की। That blows from south west in summer, जो कि मौसम गर्मा में गर्मियों में जो है वो जनूब मगरब की तरफ चलती है। Bringing heavy rains, जो और बहुत बारिश लाती है। And from the north east, और शुमाल मशरक़ से चलती है in winter, समर में, मौसम सरमा में। मानसून इज़ द रेनी सीज़न, मानसून को आमतौर पे बारिश वाला मौसम कहा जाता है। व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून, जब जनूब मगरबी हवाएं जो हैं ब्लोज़ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, जो अप्रैल से अक्टूबर तक चलती हैं। मानसून इज़ एनी विंड, मानसून किसी भी हवा को कहा जा सकता है। दैट चेंजेस डायरेक्शन विद द सीज़न, मानसून ऐसी हवा होती है जो सीज़न के साथ जो है वो अपनी हिम्मत चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। द समर मानसून यूजुअली कॉजेज़ हैवी रेन, और समर जो मानसून होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। द पोरिंग रेन कंटिन्यूज़ विद द समर मानसून, और इतनी सारी बारिश होती है, इट इज़ कॉल्ड रेनी सीज़न। और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो थ्रू आउट द सीज़न, पूरे मौसम में बारिश हो, तो उसको रेनी सीज़न कहा जाता है, मौसम बरसात कहा जाता है। नो लाइफ ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर, ज़मीन पर पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। एंड वाटर सीजलेस फ्लो कांट एग्जिस्ट विदाउट रेन, और वाटर का जो सीजलेस ना ख़त्म होने वाला बहाव जो है वो बारिश के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। रेन इज़ अ वंडरफुल नेचुरल फिनोमिना, रेन जो है वो कुदरती फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना है जो हैरत अंगेज़ है। प्रेजेंट सिंस द लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ, और जो उस वक्त से है जब से ज़िंदगी वजूद में आई है। रेन इज़ ग्रेस, रेन बारिश है। एंड विदाउट रेन, और बारिश के बगैर देयर वुड बी नो लाइफ, ज़िंदगी नहीं होगी। रेन इज़ इनडीड अ ग्रेट एंड इनवैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, बहुत बड़ी अल्लाह पाक की अता है। इट प्रोवाइड्स वाटर, ये पानी मुहैया करता है टू ऑल लिविंग बींग्स, सारे जानदारों को, लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों को, एनिमल्स, जानवरों को, बर्ड्स, परिंदों को, इंसेक्ट्स, हशरात को, ट्रीज़, दरख्तों को, एंड प्लांट्स और पौधों को। द रेन वाटर हेल्प्स क्रॉप्स टू ग्रो, ये फसलों की जो है वो मदद करता है उगने में। वॉशिज़ द डस्ट पार्टिकल्स, और जो मिट्टी के ज़रात होते हैं उनको धो देता है। एंड किल्स द वायरस ऑफ डिफरेंट डिजीज़, और डिफरेंट बीमारियों के जो वायरस होते हैं उनको ख़त्म करता है। इट क्वेंचेस, ये बुझा देता है द थर्स्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन की प्यास को। एंड ब्लेसेस द फ्लावरी बर्ड्स, और छोटे छोटे फूल जो होते हैं उनको नेमत बख्शता है। रेन फिल्स आर डैम्स, रेन जो है वो हमारे डैमों को भरता है। एंड रेजरवायर्स, और ज़खीरा करता है विद वाटर। एंड वी यूज़ दिस वाटर, हम इस पानी को इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। वी यूज़ वाटर, हम पानी इस्तेमाल करते हैं टू इरीगेट आर क्रॉप्स, अपनी फसलों को पानी देने के लिए। एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पैदा करने के लिए। लास्ट संडे वाज द हॉटेस्ट डे इन जुलाई, जुलाई का सबसे गर्म तरीन दिन था। द समर मूव्ड लाइक अ फ्लेम अपॉन प्लेन्स एंड मीडोज़, और ऐसा लगता था जैसे मौसम गर्मा शोले की तरह बरस रहा है, मैदानों में भी और चरागाहों में भी। द स्कॉर्चिंग हीट हैड डिप्राइव्ड एवरीथिंग ऑफ इट्स चार्म, और जुलसा, स्कॉर्चिंग बोलते हैं, जुलसा देने वाली गर्मी ने सारी दिलकशी ख़त्म कर दी थी। सनलाइट हैड हीटेड अप एवरीथिंग, और जुलसा देने वाली गर्मी ने हर चीज़ को गर्मा दिया। द प्लांट्स वर ड्राइड, पौधे खुश्क हो गए। एंड ड्रूप्ड, और नीचे झुक गए। एज बर्निंग हीट हैड सक्ड ऑल लाइफ फ्रॉम देम, जैसा कि जुलसा देने वाली गर्मी ने सारी जो है वो जान इनसे खींच ली हो। द हॉट एयर वाज ब्लिस्टरी, और गर्म हवा जो थी वो जो बहुत गर्म लग रही थी। इट वाज अ सफोकेटिंग हीट, और ये ऐसी गर्मी थी जो सफोकेट कर रही थी, जिसकी वजह से दम घुट रहा था। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी खूबसूरत है बारिश। आफ्टर द डस्ट एंड हीट इज़ ब्रॉड, जब गर्मी और जो मट्टी है बहुत हो जाए। एंड फायरी स्ट्रीट्स, और गलियां जो हैं वो आग बगोला हो जाएं। एंड इन द नैरो लेन, और तंग गलियों में हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी खूबसूरत लगती है बारिश। लॉन्गफेलो कहता है ऑल ऑफ सडन द क्लाउड स्टार्टेड गैदरिंग इन द स्काई, आसमान में बादल इकट्ठे होना शुरू हो गए। द गोल्डन सनलाइट अपीयर्ड, अचानक से डिसअपीयर्ड सनलाइट की रोशनी चली गई। एंड एवरीथिंग बिकेम सिल्वरी ग्रे, और हर चीज़ जो है वो ग्रे हो गई। विवर्ड फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग बिगेन टू अपीयर विद शॉर्ट इंटरवल्स, वक्फों से बिजली चमकना शुरू हो गई। देयर वर रोरिंग साउंड्स ऑफ थंडर एंड स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, बिजली की गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होगी। नेचर लाइक मैन समटाइम्स वीप्स फॉर ग्लैडनेस, इंसान की तरह बाज़ों का नेचर भी रोती है खुशी के लिए। इंसान जो है वो खुशी में उसके आंसू निकलते हैं, जबकि जो नेचर है और जो फितरत है, जब बारिश बरसती है तो ऐसे लगता है उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, लेकिन दोनों के आंसू खुशी के भी होते हैं। डिसराइली कहता है Haunting heavy showers seemed to quench the thirst of scorching and burning land. ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो scorching and burning, झुलसा देने वाली जो ज़मीन थी उसकी प्यास बुझा रही है। Cool breeze was blowing, हवा ठंडी चलना शुरू हो गई। The sound of downpour was musical, बारिश के बरसने की आवाज़ मौसीकी वाली थी। And pleasing, और खुश करती थी to ears, कानों को। Everything was wet, हर चीज़ गीली हो गई। And drenched in the torrential rain, और मूसलाधार बारिश में भीग गई। Soon the streets began to flow like canals and streets, जल्दी गलियां जो हैं वो नहरों और नदियों जैसी बन गई। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर द रेन स्टॉप्ड, आधे घंटे बाद बारिश रुकी। एवरीथिंग लुक्ड वॉश्ड एंड शाइनी, ऐसा लग रहा था हर चीज़ वॉश हो गई है और शाइनी हो गई है। द ब्यूटीफुल सीन डेट नेचर हैड क्रिएटेड वॉज ब्रेथ टेकिंग, ऐसे लग रहा था सांस रोकने वाला मंजर है। वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड कीन, फितरत का एक छोटा सा टच जो है वो सारी दुनिया को किन करीबी कर देता है, हमारा दोस्त कर देता है। द सीन आफ्टर द रेन वॉज सुपर्ब, बहुत सुपर्ब सीन था। द ड्राई लीव्स टर्न्ड ग्रीन एंड ग्लॉसी, और जो खुश्क पत्ते थे वो ग्रीन हो गए, ग्लॉसी चमकदार शाइनी हो गए। द हाई टॉप्स ऑफ ट्रीज वर स्विंग, और जो दरख्तों के सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं वो ऐसे झूल रहे थे, स्विंग झूल रहे थे। लिंग विंड, ऐसा लग रहा था जैसे हवा जो है वो विसल कर रही है। लाइफ रिवाइव्ड एवरीवेयर, हर जगह ज़िंदगी दोबारा आ गई। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स, बच्चे गलियों में खेल रहे थे। फ्लोटिंग पेपर बोट्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, और सड़क के दोनों किनारों पे कश्तियाँ बना रहे थे कागज़ की। वेयर द रेन वाटर वॉज फ्लोइंग फास्ट, जहाँ बारिश का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। द बर्ड्स केम आउट ऑफ दियर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आ गए। द एनिमल्स ऑफ दियर शेल्टर, वो अपनी पनाहगाहों से बाहर आ गए। एवरीथिंग लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन, हर चीज़ ताज़ा नज़र आ रही थी। द क्रिकेट्स बिगेन टू चर्प, जो झींगे थे वो चहचहाना शुरू हो गए। द फ्रॉग्स बिगेन टू क्रॉक, मेंढक टटराना शुरू हो गए। द बर्ड्स वर ट्विटरिंग इन सच अ ब्यूटीफुल एटमोसफेयर। देन ऑल ऑफ सडन, अचानक से द रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई, आसमान में रेनबो ज़ाहर हो गई। इट अपीयर्ड एज इफ समवन हैड पेंटेड एन आर्क ऑफ 7 ब्यूटीफुल कलर्स इन द स्काई, ऐसा लगता था आर्क को से कज़ा आ गई है 7 रंगों वाली। द ह्यूज ऑफ रेनबो, ह्यूज कलर रंग, कोसे कज़ा के रंग, वर प्लीजिंग बहुत खुशनुमा थे टू द आइज़, आँखों के लिए। द साइट वाज म्यूज़िकल, ऐसा लग रहा था मैजिकल साइट था, जादुई था। द रेनबो गेव दी बर्थ, बारिश रेनबो गेव दी बर्थ, रेनबो को ज़िंदगी दी, बारिश ने दी। बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जो कि यू है, आजकल इसको यू के तौर पे पढ़ा जाता है, लेकिन मिडल इंग्लिश में या ओल्ड इंग्लिश में इसको दी कहा जाता था। एंड लेफ्ट दी ऑल हर लवली ह्यूज, उसने तुम्हें ज़िंदगी भी दी और अपने सारे कलर्स भी दिए। द ह्यूमन बींग्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इंसानों ने सुख का सांस लिया। लुक्ड हैप्पी, द रेनी डे वॉज रियली इन्जॉयबल, और जो बारिश वाला दिन था वो बहुत मज़े का था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। इफ़ यू फॉलो दिस प्रेजेंटेशन यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स लाइक द मार्क्स ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। इफ़ यू लाइक द चैनल सो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।